Hey guys, good afternoon. Very, very warm welcome on Maths Pirates. As you all know, we are doing what? Mensuration ko? Let's crack it, right? So in this session, we are going to crack surface area. Okay? So we have done NCRT. Yes? Ek ek question humne NCRT ka kiya hai. Now in this session, this is level 2. In this session, we are going to do the application-based questions. So, are you ready everyone? Hashtag would be in the chat. Menti kab hoga? Abhi hoga beta, abhi hoga. Bilkul. Testing time starts now. How are you guys? Hi Shrishti, hi Yadavji. Hi Omkar. Hi Proy. Hi Expert. Hi Anshi, hi Shrishti, Mehreen, Audambar, Shrujan, Proy. Welcome to the session. Hi guys. Hi Shrishti. Hi Madhura. Hi ma'am, how are you? I'm good. Pradham, how are you? Hi Vidhi. Hi Sandhya. Hi Madhura. Dhruv. Hi Bhishma. Hi Samriddhi. How are you? Welcome to the session. Hi Tejasvi. Hi Soni. Hi Rajiv. Hi Divinder. Hi Shweta. क्या हाल है मेरे पायरेट्स? हाउ आर यू गाइस? क्या हाल है मेरे पायरेट्स का? एवरीवन डू लेट मी नो. वेलकम टू द सेशन. मैम, वन शॉट फॉर रिमेनिंग फोर चैप्टर्स. विच फोर चैप्टर्स विच आर लेफ्ट? अरे हो जाएंगे बेटा, जल्दी क्या है. एवरीथिंग विल बी डन बिफोर योर सेकेंड टर्म एग्जाम. ठीक है, फाइनल एग्जाम आने के पहले एक एक चैप्टर हम कर लेंगे, टेंशन नहीं. ठीक है. हाय पटेला, साई कृष्णा, हाय दुष्यंत, हाय सृष्टि, दिशा, हाय अंश. चलो, सो रेडी? हाय परमवीर. अंश इज इन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. क्या बात है बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. चलो, बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट करे, लेट अस गो टू मेंटी. हाउ इज द जोश एवरीवन? #ओपी शुड बी सीन हियर इन द चैट. #ओपी, कम ऑन. यस, फुल ऑन. यादव जी का ओसी, क्या बात है यादव जी, वेरी नाइस टू सी दैट. #ओपी. चलो, लेट्स डू मेंटी एवरीवन. सो कम ऑन, हिट द लाइक बटन. कम ऑन पीपल, एवरीवन हिट द लाइक बटन. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेंसुरेशन मैराथन, एंड दिस इज सेशन 2. यस, तो चलो फिर शुरू करते हैं. दिस इज मेंटी कोड. द कोड फॉर टुडेज मेंटी इज 25 85 63. क्या है कोड? 25 85 63. यस आंशी, कैप्टन के दिल की बात बोल दी. यस बिल्कुल, जल्दी जल्दी कम ऑन एवरीवन, हिट द लाइक बटन. हाय अनीता, हाय भव्य. ओसी मतलब यादव जी का अलग चलता है. उनको लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो उनका ओवर पावर नहीं है, ही इज ओसी. व्हाट डू वी मीन बाय ओपी? वी मीन बाय ओपी दैट फुल पावर टू रॉक इन दिस सेशन. हाय रक्षा, हाय राइजा. क्विज इज नॉट ओपन, इज इट? मेंटी जी तैयार नहीं है? मेंटी जी, चलो मेंटी जी के पास चलें. या नाउ वी आर रेडी. कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आ जाओ मेंटी जी के पास. मेंटी जी सुपर डुपर रेडी. हाय सुब्रिका, हाय अब्दुल, हाय भव्या, हाय संध्या, हाय कनक, हाय भव्या, हाय अब्दुल, हाय वेदिका. पाजी हियर, हाय पाजी. चलो, रेडी फॉर द सेशन एवरीवन? चलो, सो चले फिर जल्दी जल्दी करते हैं एक एक क्वेश्चन को. बूम. यस, कम ऑन. सो जल्दी से आ जाओ एंड कॉल योर फ्रेंड्स. वेयर आर अदर पायरेट्स? बाकी मेरे पायरेट्स, आज जोश कम लग रहा है मुझे सेशन में.
फेस्टिव मोड में आ चुकी हूँ। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अ सरप्राइज। एक सरप्राइज है मेरे भाई रेट्स आपके लिए, पता है? तो जल्दी जल्दी सबको बुला लो, फिर मैं बताऊंगी सेशन के बीच में वो सरप्राइज, ठीक है? भाई रेट्स के लिए स्पेशल सरप्राइज। यस, जल्दी से फ्रेंड्स को बुलाओ अपने। ओनली 45 पीपल हैव जॉइन टिल नाउ। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से पायरेट्स कम ऑन इनटू द सेशन नाउ। मैम कम जोश है, फेस्टिवल जोश है। अच्छा जी, अब भी पता लगेगा, अब भी पता लगेगा। क्वेश्चंस में मजा आने वाला है। आज के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं, विच आर रियली 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 इम्पोर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस। इनको समझ लिया तो कोई क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है? एग्जाम चल रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नई नई सॉपर एवेंजर्स क्विज तो रिवील्ड है, वो तो शाम में मचाने वाले हैं। बट देयर इज वन मोर स्पेशल सरप्राइज फॉर माय पायरेट्स व्हिच आई विल रिवील इन द मिडल ऑफ द सेशन, ठीक है? ओके, आई नो आज खुश तो बहुत हो पायरेट्स, फुल ऑन ओपी जोश फॉर एवेंजर्स क्विज। यस, ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर वन। Everyone keep on joining and here's your question number one. Ma'am, it's my birthday. Happy birthday, Mr. King. Happy birthday to you, bache. ठीक है, बिल्कुल तुक्का पावर जिंदाबाद। हाँ जी, I'll help you. Okay, so let's start this question number one now. देखिए question number one, चल। The dimensions of a room, that is length, breadth and height, is given to you. What is the cost of distempering its four walls at the rate of rupees 180 square meter? Easy peasy question. Only 13 people were able to do it right. Aisa kyun? Easy question tha. Easy question tha na pirates ke liye. Okay, I am going to now PPT how to do this question. ठीक है, everyone you can come up and tell me what's your answer. Ma'am, time is very less. अच्छा आप भी देखते हैं, ठीक है? Just give me one minute, okay? Let me change the time. Everyone keep on solving the question. Till then I'm changing the timer. Okay? आज कैप्टन ने बहुत ही कम टाइम दे दिया है ना, ठीक है, आई एम चेंजिंग इट, ओके, डोंट वरी। You people need one more chance to do that one question, first question, or should we go to the solution part for this? You want me to do it one more time? You want me to repeat it? Yes or no? Yes or no? Yes? Everybody saying yes? Yes? Everybody saying yes? Yes, 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 I'm getting yes. ठीक है, solution पे भी जाते हैं। एक बार हम इस quiz को एक बार और play करते हैं, ठीक है? Let's play this quiz one more time as it was not That sufficient time है ना। चलो जी देखते हैं अब इस क्विज को। ओके, वी कांट प्ले दिस क्विज वन मोर टाइम, नहीं खेल सकते। मेंटी जी ने मना कर दिया है। मेंटी जी इज सेइंग नहीं बेटा आप नहीं खेल सकते, यू कांट। ओके, सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड फॉर दिस पार्ट। ओके, नाइस टू सी दैट।
Really nice to see that. Very good. Paramveer, you are the fastest and you have scored the highest number of points. That's really great. We have Sakura, Tanishq, your what? You pirate. Yes. We have Jia. We have Shashank, putty my boat face. We have Abhiram. You always ignore me, head. You kaun, beta? Main aapko ignore nahi kar rahi hu, believe me. So let me change your name. Dr. Sendipade, Metal and Sukriti, love you, ma'am. I love you too. Okay, next question karne ke pehle hum chalte hain kahan? Solution part pe, theek hai? Chalo. Chalte hain solution number one. I have a room, theek hai ji? Dekh rahe ho, aapke paas ek room hai. यहां पर आपको लेंथ दे दी है दैट इज 1.8 सेंटीमीटर. विथ दे रखी है दैट इज 1.6 मीटर. नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर पीपल. ओके, इट्स मीटर. ओके, एंड द हाइट इज गिवन टू यू दैट इज 1.1 मीटर. सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. ठीक है जी, आपको पता है ना क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट, हाइट प्लस लेंथ. ठीक है, पता है ना हम सबको? यस, तो वही तो करना है बच्चों आपको. यस, लेकिन दिमाग यहां पर ये लगाना है, यहां पर आपके पास सिर्फ 4 वॉल्स हैं, ओनली वॉल्स हैं, राइट? मतलब फ्लोर नहीं है, फ्लोर नहीं है, केवल सीलिंग होनी है. सो दैट इज वाई द फॉर्मूला चेंज टू दिस पार्ट. सो यू गॉट द सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओनली. यू आर नॉट गोइंग टू डू द फ्लोरिंग एंड सीलिंग्स. सो द फॉर्मूला चेंज टू दिस मच ओनली बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द टॉप मोस्ट पार्ट एंड द बॉटम मोस्ट पार्ट. केवल 4 वॉल्स कर रहे हो आप डिस्टेम्पर, मतलब पेंट. तो कॉस्ट आपको कैसे पता चलेगी 4 वॉल्स की? जब आप सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे पर मीटर के कॉस्ट से, तो आपको क्या मिला? 1346.4. ठीक है, कोड बताइए मैम. द कोड इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, द कोड इज ऑन योर स्क्रीन. हाय दीपशिखा, वेलकम टू द सेशन. हाय इम्तियाज, हाय माय पायरेट्स. चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let's do this question now. Question number 2 on your screen. Very beautiful question and you will get 50 seconds to answer. The copper wire of length 44 cm, hint bhi de dungi, theek hai? Is to be bent into a square and a circle. Aapko ek copper wire ki length de di hai, matlab parameter pata hai, length pata hai us wire ki. Parameter of a square pata hai, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता है. तो आपको बताना है एरिया किसका ज्यादा होगा, स्क्वायर का या सर्कल का. वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बात है. ऑलरेडी गेटिंग द आंसर इन द चैट, वेरी गुड. मैम खुशल ने बता दिया था. हां जी बिल्कुल, मैंने देखा था खुशल, वर्चुअल पिटाई खानी है इसने, है ना. Yes, just now started. This is the second question only. ठीक है, अभी अभी शुरू हुआ है. Come on, hop on to Menti. The code is written on the top. Okay, majority of you have given the right answer. That's brilliant. Well done. Very good. Hi, Shirni. Welcome, बेटा. जल्दी से आ जाओ Menti जी के पास. And we are going to see the solution part for this question. Okay. A copper wire is there. ठीक है, एक copper की wire है जो कि फोल्डेबल होती है. ठीक है, इजीली आप फोल्ड कर सकते हो. तो पहले आपने उस कॉपर वायर को यूज करके एक स्क्वायर बनाया. क्या बनाया? स्क्वायर बनाया. फिर उसी वायर को यूज करके आपने मोल्ड कर दिया उसको एक सर्कल की शेप में. किस शेप में चेंज कर दिया उसको? सर्कल की शेप में. अब मुझे एक बात बताओ, आपको जब पता है उस वायर की लेंथ कितनी है, मतलब आपको पैरामीटर पता है? यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? यस एवरीबॉडी, अगर आपको उस पूरे वायर की लेंथ पता है, मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पता है, दैट शुड बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस
Because perimeter in a circle is nothing but perimeter, the circle, circumference. Perimeter is nothing but circumference, which is also given 44 centimeter. एक बार बताओ, अगर चारों साइड्स का सम पता है, सो कैन यू फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर? दैट विल बी इक्वल टू 44 अपॉन 4, ठीक है? 44 टोटल है, और एक का कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 4, द नंबर ऑफ साइड्स. सो साइड्स यू गॉट, दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. यस, आ चुकी है. अब आपको एक बात पता है कि 11 सेंटीमीटर है साइड, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. सो 11 इनटू 11, यू गॉट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू गॉट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इट इज द टर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल. यस, अब क्या निकाला है? एरिया ऑफ द सर्कल. मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों को पता है कि पेरिमीटर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इज 44. तो क्या आप 2 पाई आर लगा के रेडियस नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो. सो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44. तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर. यस यस एवरीवन, अब आ गई है आर. तो क्या आपको पाई आर स्क्वायर निकालना आता है? द एरिया ऑफ द सर्कल, सबको पता है एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, है ना जी? समझ आ गया? क्या बात है, वेरी गुड. एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. अब पाई आर स्क्वायर लगा के एरिया ऑफ द सर्कल यू कैन इजिली फाइंड आउट. सो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, दैट इज 7 इंटू 7, यू गॉट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का या सर्कल का? जल्दी से बताओ इन द चैट एवरीवन, कम ऑन जल्दी से. मैम आता है, आपने सिखाया. हाँ जी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. यस, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन. यस, सर्कल का ज्यादा है. किसने बोला? रामनीक, कहाँ से बेटा, कहाँ से? कौन सी मैथ्स? मैंने नहीं सिखाई ऐसी मैथ्स. मैं दोषी रही हूं, मैंने नहीं सिखाया. 121 इज डेफिनेटली लेस देन 154. तो 154 तो सर्कल जी है. क्या बोल रहे हो बच्चे? ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. चलो जी, मेंटी जी बहुत उदास हो चुके हैं, उनको खुश कर देते हैं, उनके पास आ गए हम. लेट्स सी द लीड बोर्ड नाउ. लेट्स सी द लीड बोर्ड एंड बिलीव मी, द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अप इज रियली अमेजिंग. सो परमवीर तो रॉक कर रहा है. वेल डन वीरे. वी हैव बाडेला, साईं कृष्णा, चैतन्य, वेल डन बच्चे. जिया इज हियर, अब्राहम, डॉक्टर सेंडी पिडे, सुकृति, ओमकार, मैम इज गॉड, थैंक यू सो मच ओमकार, लव यू टू. देन वी हैव कृतिका मिश्रा, लव यू मैम, आई लव यू टू. दिव्य माल्या, खुशी द शेरनी कैप्टन, वेल डन एवरीवन. It's so good to see this leaderboard. Well done. चलो जी, पायरेट्स तो आज मचा रहे हैं यार. क्या बात है पायरेट? Okay. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन. थैंक यू सुजना, यू गाइस आर लर्निंग ऑसम. द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस मच, ओके. द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 670 सेंटीमीटर स्क्वायर. Find the height of the box. आपको एरिया बता दिया है बेस का. अब बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना? बिल्कुल, हां जी, यस, बिल्कुल. वी आर गोइंग टू क्रैक एवरी क्वेश्चन. यस, इजी पीजी है. बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो आज. ऑप्शंस यहां पर, ऐसा भी होता है, बच्चे इतने चालू गए हैं, यहां पर गलत लिखते हैं चैट बॉक्स में और यहां पर सही करते हैं ताकि बाकी बच्चे गलत देखकर अपना भी गलत कर दें, है ना? हां जी, सीक्रेट रिवील्ड नाउ. तो एवरीवन, अभी अपना दिमाग लगाना है, बच्चों पर नहीं जाना, ठीक है? खुद से सॉल्व करो. ओके, सो 20 इज द राइट आंसर एंड 61 ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या हो गया? हाय माय आयरन गर्ल श्रेया, क्या हो गया आयरन गर्ल को?
चलो जी देखें इसका सोल्यूशन फटाफट से। आ जाओ, वी हैव अ बॉक्स, ठीक है जी। आपको पता है बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच इज गिवन टू यू, दैट इज 670 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा जी अगर आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम कितना है 13400 सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ इनटू ब्रेथ भी तो दी है, दैट इज 670। कुछ नहीं है, वॉल्यूम फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर रहे हो और हाइट की वैल्यू बतानी है, तो कुछ है क्या, आप तो लड्डू है। यस लड्डू है ना, बिल्कुल सच में लड्डू क्वेश्चन। ओ ओ श्रेया कोई बात नहीं, अभी फिर से आ जाओ, कम ऑन लड्डू क्वेश्चन। हां जी चलो फिर, सो नहीं लड्डू है, हाँ लड्डू है। हाय विनम्रा, वेलकम टू द सेशन। मैम सरप्राइज, बताऊंगी बताऊंगी, वेट फॉर इट, ठीक है, इतनी क्या जल्दी है। ओके नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी नो द बैटरी इज एब्सोल्युटली लो, तो चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडर बोर्ड देख लेते हैं फिर जाते हैं, ठीक है। हाँ बैटरी लो है, मैं लगा लूंगी चार्जिंग पे, वेट। सो हियर इज अवर लीडर बोर्ड ऑन माय स्क्रीन, सो इट इज चेंज लिटिल बिट। सुकृति लव यू मैम, लव यू टू। मेरे बच्चे डॉक्टर सिंडीपिटे, ओमकार, कृतिका, खुशी, अनीश कुमार गुप्ता, परमवीर बडेला, दिव्यांशी एंड खुशल, फैन ऑफ मैम, वेल डन मेरे बच्चों। क्या बात है, मचा रहे हो आज, तो खुश कर दिया कैप्टन को आपने। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी रहो, ठीक है। कम ऑन एवरी वन, कम ऑन। कम ऑन एवरी वन, जल्दी से कर दो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। चलो अदर साइड की लेंथ बतानी है। बड़े चालू हो रहे हो, है ना, मतलब बहुत ही चालू, खुद से सॉल्व करो। हाय टुक टुक, हाउ आर यू, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हां जी आज काव्या नहीं दिख रही, वेयर इज काव्या। सो वी हैव गॉट मैक्सिमम ऑफ यू गिवन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेल डन। लीडर बोर्ड बाद में देखेंगे, चलो चलते हैं पहले सोल्यूशन पार्ट पे। देखो जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है 400, डिस्टेंस मतलब हाइट, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है हाइट। एक पैरेलल साइड दे रखी है, दूसरी निकालनी है, फॉर्मूला ने पुट करना है, एरिया कितना है 400, फॉर्मूला है क्या, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एक पैरेलल साइड इज 20 प्लस बी, मान लो द अदर साइड, एंड 16 इज व्हाट हाइट, सो यू गॉट बी 20 प्लस बी द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यू हैव टेकन दिस हाइट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया 50, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 20 दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। ये तो लड्डू क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे क्या बच्चों, नहीं ना, ओ भाई। नहीं नहीं नहीं, पिटाई हो रही किसी की। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट, देखिए लीडर बोर्ड, चलो गुड। ओके सुकृति फॉलोड बाय ओमकार, सेंटीपिडे, खुशी, पटेला, परमवीर, दिव्यांशी, नाम प्रीत, अपर्णा मैम फैन, वेलकम नाम प्रीत, वी हैव दिशा मौर्य, देन वी हैव खुशल, वेल डन बच्चों, क्या बात है मचा रहे हो आज तो, ग्रेट। हाय हंसिका, आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा जी थैंक यू, यू मेड माय डे, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन माय स्क्रीन। हाय विदुषी, हाय जयराज। ओके 3 मेटल क्यूब्स ऑफ साइड्स दिस मच, ठीक है,
एक क्यूब है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दिस इज गिवन टू यू, आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन टू द बिग क्यूब्स, ठीक है जी. फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. अब तीनों क्यूब्स के अलग अलग डायमेंशन है, मतलब तीनों क्यूब में जो डायमेंशन है, पहले क्यूब की है 6, दूसरे क्यूब की है 8 एंड थर्ड क्यूब की एज दे रखी है 10. फिर उन तीनों क्यूब को मेल्ट कर दिया है, मतलब क्या निकालोगे यहां पर तीनों क्यूब का? हाय श्वेदना, हंसिका ठीक है, योर नेम ऑलरेडी एबीसीडी, आंशी सॉल्व इट, सॉल्व इट बेटा, सॉल्व इट. लड्डू क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल. ओ लड्डू क्वेश्चन में इतने बच्चों का गलत, 31 ऑफ यू वर एबल टू गिव द राइट आंसर. देखिए लीडर बोर्ड, फिर देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है. हाय राइटिंग टेक, वेलकम टू द सेशन. ओके, सुकृति, ओंकार, खुशी, दिव्यांशी, दिशा, नामप्रीत, राम्या, ज्योति, खुशल एंड प्रियांशी द प्रिंसेस. चलो जी चलते हैं सॉल्यूशन पे इस क्वेश्चन के. तीन मेटल क्यूब्स हैं जिनकी एजेस आपको दे रखी हैं, दैट इज 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. तो पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे. अब बच्चे पूछेंगे मैम वॉल्यूम ही क्यों? वेरी गुड आंशी, ग्रेट. पहले क्यूब में आपकी साइड है 6, अब मैम वॉल्यूम ही क्यों निकाल रहे हो आप? सरफेस एरिया क्यों नहीं? भाई एक बात बताओ, जब आप उस पूरे मेटल क्यूब को मेल्ट कर रहे हो तो क्या केवल आप बाउंड्रीज को ही आप मेल्ट कर रहे हो, जो उसके पोर्शंस हैं? नहीं ना, आप पूरे के पूरे मेटल क्यूब को मेल्ट कर रहे हो, जो अंदर से ठोस होता है उसको आपने मेल्ट किया, मतलब वॉल्यूम पता होना चाहिए उस मेटल क्यूब का, ठीक है जी. तो पहले मेटल क्यूब का वॉल्यूम आ गया आपका 216, हाउ 6 का क्यूब बच्चों. अब सेकेंड मेटल क्यूब का वॉल्यूम 8 का क्यूब, 512. अब थर्ड मेटल क्यूब कितना है? 10 सेंटीमीटर उसकी एज है, तो 10 क्यूब दैट इज 1000. अब इन तीनों को, इन तीनों के जो मेल्टेड पार्ट है मतलब वॉल्यूम, उससे मिलाओ के एक बड़ा क्यूब बनाया है, ठीक है जी. मतलब तीनों के तीनों वॉल्यूम को जोड़ दो, यही किया है. तो इन तीनों को ऐड कर दिया, 216, 512 प्लस 1000, वी गॉट 1728 सेंटीमीटर क्यूब. राइट एवरीवन, राइट. ओके, नाउ टेल मी, इफ आई नो द वॉल्यूम ऑफ दैट होल क्यूब, कैन आई फाइंड आउट द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिग क्यूब? क्योंकि यार वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम आपको पता है दैट इज 1728, तो साइड निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द साइड. यस, अब क्लियर हो गया होगा बच्चों. यस, जल्दी से यस लिख दो या फिर यो लिख दो. पायरेट्स कम ऑन, हैशटैग ओपी नहीं चल रहा है आज, कैप्टन की कैप्सूल नहीं आई है. यस यस, क्या बात है, ग्रेट टू सी दैट, वेरी गुड. अब हमने जब इसका क्यूब रूट निकाला तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बता दो इन द चैट. यस, 12 सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, जब आपको 12 सेंटीमीटर साइड पता चल चुकी है, साइड पता चल चुकी है, दैट इज एज 12 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट? 6 इंटू साइड का स्क्वायर. अब 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 6 इट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आई होप एवरीबॉडी गॉट इट. यस, इट वॉज अ ग्रेट क्वेश्चन एंड बिलीव मी गाइज, अगर एक एक क्वेश्चन जो आप ये खुद से कर लोगे ना एक बार, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता. फुल मार्क्स तो यू, मार्क्स क्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चों, जितना क्लियर कॉन्सेप्ट उतने क्लियर मार्क्स. यस, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो एवरीवन कम ऑन, हिट द लाइक बटन नाउ, हैशटैग ओपी शुड रन हियर एंड हिट द लाइक बटन. चलो जल्दी से, एक शगुन तो बनता है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एंड सरप्राइज कमिंग सून, वेरी सून. हैशटैग ओपी, नाउ आई एम गेटिंग दैट एनर्जी. यस, क्या बात है यार, अभी मिल रहा है यार कैप्टन को थोड़ा एनर्जी.
भूल जाते हो क्या रोज? भूलना नहीं है. ओके यस हैशटैग ओपी, ग्रेट टू सी दैट. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रेडी रहो पायरेट्स. नाउ ऑन योर स्क्रीन. ओके 160 मीटर क्यूब ऑफ वाटर. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. 160 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज यूज टू इरिगेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया इज गिवन टू यू दैट इज 800 मीटर स्क्वायर. हाँ, वॉट विल बी द हाइट ऑफ द वॉटर लेवल इन द फील्ड. इट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अमेजिंग क्वेश्चन. इसमें मुझे देखना है कितने बच्चे राइट होते हैं. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन मैम. जब 100 आती हूँ तो दुख नहीं होता, 11 आती हूँ तो दुख हो जाता है. ओ हाँ, मैं समझ सकती हूँ. एक पॉइंट से आप लीड बोर्ड से रह जाते हो ना, फिर तो चाहे 30 आए, 50 आए, 100 आए, क्या फर्क. आई गॉट यू. मैं मतलब बच्चों के दिल की बात तो कैप्टन नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, है ना. आई एम द किंग. ओ नाइस, ओ नाइस टू सी दैट मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू घूम दिस क्वेश्चन. ब्रिलियंट बच्चों, वेरी गुड. अगर ये खुद से किया है ना तो रियली गुड, वेरी गुड. लीड अबाउट बाद में देखेंगे, जल्दी से देखते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट. ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करेंगे सब के सब. आपको क्या पता है कितना लीटर आप पानी डाल रहे हो उस रेक्टेंगुलर फील्ड में? कितना लीटर है? कितना लीटर है? 160 मीटर क्यूब. मतलब वॉल्यूम पता है आपको, वॉल्यूम पता है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, दैट इज 160 मीटर क्यूब. ठीक है जी, इजी क्वेश्चन. जलेबी क्वेश्चन था? नहीं नहीं लड्डू क्वेश्चन था यार, जलेबी मत बनाओ इसे, लड्डू क्वेश्चन है. अभी इसको लड्डू बना दें. ठीक है, देखो अब आपको पता है यहां पर एरिया, एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर. किसका? उस रेक्टेंगुलर फील्ड का. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 800 मीटर स्क्वायर. अब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी बताना जरा. लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता? तो मुझे पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अच्छा, तो वॉल्यूम पता है ना 160 है, लेंथ इनटू ब्रेथ पता है कितना है? यस 800. तो जल्दी से बता दो, हाइट नहीं पता चल जाएगी. एंड हाइट इज नथिंग बट द वॉटर लेवल इन द फील्ड. समझ आया ना विदुषी? आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, डोंट बी सैड. यस अब समझ आ गया? यस नहीं समझ में आया? वन मोर टाइम, समझ आ गया? ग्रेट मैम. वॉटर लेवल क्या होता है? ठीक है भव्या, मैं एक काम करती हूँ. ये देखो, मान लो ये एक कोई फील्ड है. ओके रेक्टेंगुलर फील्ड है. ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर फील्ड है. ठीक है जी, उसमें आप क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो उस फील्ड में. ठीक है, कितना पानी डाल रहे हो? 160 मीटर क्यूब डाल रहे हो, लीटर्स. ठीक है, इतना आप डाल रहे हो पानी, तो मतलब वॉल्यूम पता है. ठीक है, आपको ये पता है ये इस एरिया क्या है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, दैट इज 800, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अब उसमें कितना हाइट का पानी भरा है, वॉटर लेवल कितना है? मान लो एक कप है. ठीक है जी, एक कप है, तो आपने यहां तक पानी भरा, तो मतलब वॉटर लेवल यहां तक है. ठीक है, वॉटर लेवल यहां तक है. अब उसी तरीके से वॉटर लेवल इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है, कितना भरा है? वही तो हाइट है, दैट इज द हाइट ओनली. मतलब इतना पानी मतलब इतनी हाइट. ठीक है, वही तो फॉर्मूले में पुट करके निकालनी है. So we know what is the volume, that is nothing but it is given to you. समझ में आ गया? Very good. तो चलो फिर चलते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी लीडरबोर्ड जी के पास. मेंटी जी इज वेटिंग एब्सोल्युटली. बूम डेट, वेरी गुड. सॉरी सॉरी, क्यों बोल रहे हो बेटा? आर्यन, सुकृति, दिव्यांशी, दिशा, ओंकार, रम्या, खुशल, प्रिंसेस, ज्योति, खुशी, पाडियला, साई, कृष्णा, चैतन्य. वेल डन, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7 कर ले आप. एक बार क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे. ठीक है चल मैम, सरप्राइज बता दो. बता दे क्या सरप्राइज? नहीं नहीं, वेट तो करना पड़ेगा. Find the area of a rhombus whose one side measures 5 centimeter and one diagonal is 8 centimeter.
Come on, everyone. Hit the like button now. Come on, hit that like button. Come on. Damn excited for this. Come on. जल्दी से लाइक कर दो आंसर करके. दिशा थर्ड. नाइस. हां जी आंशी बिल्कुल. नहीं नहीं नमनदीप पाजी थोड़ा बड़ा सोचो. पायरेट्स बड़ा सोचो. मैम आई एम ऑन लीडरबोर्ड. वेरी गुड प्रिंसेस. लड्डू क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल अमेजिंग क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से. 3, 2, 1 टाइम इज अप. लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. ओ ओ ओ लग दो नीरा लड्डू क्वेश्चन. ओ ये क्या हो गया. ये मेंटी जी ने धोखा कर दिया. आजकल मेंटी जी कंफ्यूज हो रहे हैं. मेंटी जी इज गेटिंग कंफ्यूज व्हिच इज द राइट आंसर है ना. एक मिनट जरा मैं चेंज कर लेती हूँ आंसर. ठीक है जस्ट गिव मी 1 मिनट. मेंटी जी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आजकल. मेंटी जी को डर लग रहा है पता है आप लोगों से. कोई बात नहीं पायरेट्स मेंटी जी को अभी सुधार देंगे. ठीक है ओके. सो लेट मी सी नाउ फाइनल लीडरबोर्ड. यू ऑल कैन सी इट. यू ऑल कैन सी इट. हैशटैग आई एम ऑन द फर्स्ट इन ऑल. क्या बात है ग्रेट. ओके सो लेट अस सी द लीडरबोर्ड नाउ. 24 इज द राइट आंसर. मैम 90. हाँ पायरेट्स आज जोश कम लग रहा है. आज अभी तक 100 लाइक्स भी नहीं पहुंचे. ये क्या हो गया पायरेट्स आपको. कम ऑन हिट द लाइक बटन एंड मेक इट 150. अपने टारगेट्स भी नहीं पूरे कर रहे हो यार. आप खुद भी टारगेट्स बनाते हो और खुद ही नहीं पूरा कर रहे हो. सुकृति दिव्यांशी ओमकार रम्या प्रिंसेस दिशा अनुष्का वेलकम ऑन द लीड बोर्ड. अनुव क्वीन ऑफ मेंटी ओपी वेरी गुड. सहाना रितिका वेल डन. अब जिसको नहीं आया है उसके लिए चलते हैं लीडर बोर्ड जी के पास. ठीक है चलो पहले बता देते हैं आपको सरप्राइज क्या है. बता दें बता दें सरप्राइज. दिस इज द सरप्राइज एवरीवन ऑन योर स्क्रीन. ठीक है जी. इन दिस पर्टिकुलर वीक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली. यस यस. सो वी आर गोइंग टू हैव अमेजिंग सरप्राइजेस इन दिस वीक. ये पूरी वीक सिर्फ और सिर्फ धमाल होने वाला है मैथ्स पायरेट्स पे. सो गेट रेडी टू हैव फन विद योर कैप्टन ऑन मैथ्स पायरेट्स. तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो क्यों नहीं किया. यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब भी नहीं रिवील कर रही हूँ पर हम करेंगे बहुत सारा धमाल बहुत सारी मस्ती. ठीक है आई हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स फॉर यू ऑल. इतना मजा आने वाला है ना यू कांट इवन इमेजिन. आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस वीक बिलीव मी. मैं कल रात में इतनी लेट तक इसकी प्लानिंग कर रही थी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन द वीक. सो एक्सट्रीमली हाई जोश के साथ हम करेंगे इस वीक का इंतजार. अभी तो वीक पड़ा है. अभी तो आज ही वेडनेसडे है ना. अभी तो बहुत दूर है जर्नी. यस ऑन मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विद दिस दिवाली वीक. बहुत सारे राउंड्स होने वाले हैं. बहुत सारी चीजें हैं इन दिस पैक्ड. दिस वीक इज फुल पैक्ड ऑफ सरप्राइजेस. यू आर गोइंग टू अमेज वेरी वेरी अमेज. बहुत ही मजा आने वाला है. ठीक है चलो जी अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे. देखो एरिया ऑफ रॉम्बस निकालना है. वेयर ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है एवेंजर्स क्विज के लिए इतना एक्साइटेड हो. अच्छा ग्रेट ग्रेट. पायरेट्स आपके लिए आने वाला है अमेजिंग सरप्राइज बिलीव मी. देखो यहां पर आपको ना एक साइड दे रखी है रॉम्बस की 5. अब रॉम्बस की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो साइड्स होती है ना इक्वल होती है. ठीक है तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिविंग. ठीक है मान लो आपका ये जो डायगनल है बीडी वो है 8 सेंटीमीटर. एडी भी एसी भी मान सकते थे बट हमने फिगर में ले लिया ना बीडी. सो बीडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो आपको पता है रॉम्बस में जो डायगनल्स हैं दे आर बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट. तो मान लो ये ओ है
OB will be equal to OD, तो 8 divided by 2, that will be equal to 4. तो मुझे पता चल गई इसकी लेंथ, that is 4 सेंटीमीटर. ये पता चल गई मुझे BD की लेंथ, BO की लेंथ, that is 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल थी 8, तो BO की लेंथ 4. ठीक है, फिर हम मुझे याद आई हमारे पाइथागोरस जी ने बड़े ही प्यार से हमें एक थ्योरम दी थी टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना जी. तो हमें मिल गया, हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर. यहां से यहां तक हमें 3 सेंटीमीटर मिल गई. अब मुझे 3 सेंटीमीटर मिल गई है, तो फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे याद आई इसकी प्रॉपर्टी. तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस मच, दैट इज 3 × 2, तो ये भी हो गई 3. तो टोटल एसी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं. यस, इतनी बात क्लियर है कि नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता चल चुकी है दोनों डायगनल, D1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, दैट इज हाफ इंटू 8 इंटू 6, दैट इज 24 सेंटीमीटर. इजी बीजी लेमन स्वीजी. चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ जी बिल्कुल. सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन नाउ. यस अनुष्का, आई डू रिमेम्बर यू. द डायोमीटर, ये क्वेश्चन में गलत किया ना पायरेट्स, तो बहुत ही ज्यादा वर्चुअल पिटाई पड़नी है, मैं बता रही हूं आपको. खानी है वर्चुअल पिटाई तो गलत करो इसे. आर्यन आपको बता देंगे, ठीक है, इन द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू. पटेला साई कृष्णा, साई चैतन्य कृष्णा. यस, आई होप आई हैव टेकन योर करेक्ट नेम. इट्स अ इजी क्वेश्चन गाइस, इट्स अ इजी क्वेश्चन. कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने इस रोड रोलर पर. रोड रोलर भी सोच रहा होगा पायरेट्स अब तो छोड़ दो, है ना. तुक्का मारा है कुशल, शर्म कर लो. द राइट आंसर इज 1584 एंड वर्चुअल पिटाई तो बनती है पायरेट्स. पहले तो हाई फाई कर दो जिनका सही है, वेरी गुड, वेल डन. और जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से बता दो मैम. हाँ मैं वो आपके सुपुत्र या सुपुत्री जिन्होंने गलत किया है. सो सुकृति, दिव्याशी, ओमकार, रम्या, सहाना, आनोम, प्रिंसेस, अनीश, खुशल एंड विभा. और देखो अगर समझ में नहीं आया ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार समझ लो. मेंटी जी इज लैगिंग, रिफ्रेश करो बेटा. मेंटी जी बेवफा तो है ही, हम सबको पता है, कितनी बार तो डिस्कशन कर चुके हैं ये बात पे. ठीक है, आई एम रियली बैड इन ड्रॉइंग. तो सोच लो ये एक रोड रोलर का पहला वाला व्हील है जिससे वो लेवल अप करता है, ठीक है जी. ओके, आपको इधर वाले पार्ट से, इधर वाले सर्कुलर पार्ट से कोई लेना देना नहीं है. आपको मतलब है केवल कर्व्ड वाले सरफेस से आपको कोई लेना देना है इस सर्कुलर पार्ट से? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो तो रोड में टच ही नहीं कर रहा, ठीक है, टच कर रहा है केवल केवल ही केवल कर्व्ड पार्ट, ठीक है. तो मतलब आपको क्या निकालना है यहां पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और यू कैन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ द व्हील ऑफ द रोलर. यस, वेयर यू नो द डायमीटर. भैया यहां पर आपको यहां से लेकर डायमीटर दे रखा है, दैट इज 84, तो रेडियस निकालने में कोई परेशानी है? कोई परेशानी है नहीं है. 42 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस एंड लेंथ मींस हाइट इज गिवन टू यू मेरे बच्चों, दैट इज 120 सेंटीमीटर. इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल अप करने के लिए वो अगर 500 राउंड कंप्लीट कर रहा है ऐसे ऐसे चलने के बाद, तो मुझे बता दो 500 राउंड लेगा तो उसका एरिया कितना होगा उस फील्ड का. 500 राउंड लगे हैं उस पूरे फील्ड में चलने के लिए, तो 500 राउंड इज नथिंग बट वॉट, एरिया इज गोइंग टू बी डिफाइंड विद दिस 500 ओनली. तो चलो जी,
देखो वी हैव फाउंड द रेडियस 42 सेंटीमीटर, हाइट 120, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता है 2πRH। अगर अभी तक आपने विद प्रूफ वाला वीडियो नहीं देखा है जो इस संडे गया था, प्रीमियर हुआ था, तो प्लीज पायरेट आई हैव मेड इट फॉर यू ओनली। ठीक है, प्लीज देखो उसको, समझ आएगा आपको कि कैसे निकलता है फॉर्मूला। लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिलीव मी यू विल अंडरस्टैंड इट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर 2πRH, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, पता है आपको रेडियस कितना है, हाइट पता है आपको कितनी है, तो आपके पास आ गया सी एस ए, और यू कैन सी द लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है, मतलब कि आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड पार्ट, अगर इस कर्व्ड पार्ट ने कवर किए हैं 500 राउंड्स, तो 500 राउंड्स मल्टीप्लाई कर दो इस कर्व सरफेस एरिया में, यू गॉट 1584 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट होल प्ले ग्राउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन एवरी वन, ऑल द बेस्ट। मैम प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी आ चुकी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द स्क्वायर आर इक्वल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 एंड द ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये तो यू आ चुका है आंसर, यस देखते ही हो गया सॉल्व, मेंटल कैलकुलेशन। महेंद्र कुशली आई टेक इन योर नेम बेटा, बेटा ऐसे थोड़ी होता है। आई वॉज इन टू द क्वेश्चन, Why would I do that? मैं इग्नोर क्यों करूंगी किसी को गाइज, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन ऑफ यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू। एक ही काम हो सकता है, या तो नाम ले लूं या तो पढ़ा लूं। ठीक है, जब पढ़ा रही हो तो आप कैसे सोच सकते हो, अच्छा एरिया ऑफ द स्क्वायर पढ़ेला, एरिया ऑफ द उसको क्यूब ये निकाल दो, मतलब ऐसे कैसे, मतलब निंजा टेक्निक्स नहीं है मेरे पास। So we have got the right answer, that is 12 centimeter, and how many of you have done it, let's see the leaderboard. Okay, तो चलो जी देखते हैं। सुकृति, रम्या, ओमकार, दिव्यांशी, प्रिंसेस, सहाना, अनीश, दिशा इज हियर, विभा एंड खुशल, वेल डन, मचा दिया पायरेट्स आपने, एंड आई होप सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर हो चुके होंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है और ये जो स्क्वायर है बच्चों, इसका एरिया सेम है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है व्हाट साइड ऑफ द स्क्वायर। सो यू नो द एरिया इज इक्वल, सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी 16 इंटू 9, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, and that is equal to the area of a square also, so 144 centimeter square will be equal to side into side, which is the formula for square, so side will be equal to 12 centimeter. Ho gaya solve, chalo ji, so this is it for today, congratulations to all of you, agar samajh aa gaya hai to very good, well done, now abhi koi jadoo to ho nahi sakta hai na, so only one thing which you have to do now is practice practice practice, जितनी practice कर सकते हो उतनी करो। ठीक है, okay people, चल let's quickly see what are the problems which you face while learning online। ठीक है, अगर आप online पढ़ते हो and which is best, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप safe हो, it's not at all safe बच्चों, बाहर जाना अभी भी safe नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा कोरोना केसेस कम हो गए हैं, नहीं, इट्स वेरी सीरियस आउटसाइड, इट्स जस्ट दैट कि रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं उतने केसेस, बहुत सारे केसेस नए आ रहे हैं सामने, वी ऑल नो दैट द रियल सिचुएशन, वी नो, ठीक है, न्यूज़ में मे भी कम हो गया है, इतना हाइप नहीं है, बट वी ऑल नो इट इज वेरी मच सीरियस। ठीक है, तो ऑब्वियसली लर्निंग ऑनलाइन इज द ओनली एंड ओनली बेस्ट, एंड यू शुड डू दैट ओनली, क्योंकि यू गेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप ऑनलाइन पढ़ते हुए भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, ठीक है, और आपने हमें बताया
कि मैम हमारे डाउट्स नहीं सॉल्व होते प्रॉपरली जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी यूट्यूब में ही कितनी स्पैमिंग होती है चैट में, आई कैन नॉट रीड द कॉमेंट्स राइट. तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों, क्योंकि आप जब प्रो की क्लासेस लेते हो वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे, तब आपको डाउट सॉल्विंग के लिए मास्टर टीचर तो मिलते ही हैं जो कि आपको एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में, वो पढ़ाएंगे. प्लस आपको क्लास टीचर मिलेंगे हु आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दे आर देयर इन द क्लास रूम टू क्लियर आउट योर डाउट्स. ठीक है, तो डाउट्स तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपको सारे नोट्स मिलेंगे. नोट्स प्रॉपरली विल बी प्रोवाइडेड सो दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नोट्स. थर्ड थिंग विच इज टेस्ट एंड असाइनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. असाइनमेंट ऐसे कि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए. ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है. शेड्यूल आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, लैंग्वेज भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए. इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वेदांतु की प्रो क्लासेस. इन दिस यू विल गेट सम बोनस ऑल्सो, दैट इज अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, मीन्स यू कैन टेक एज मच एज लाइव क्लासेस यू वॉन्ट. ठीक है, और क्रैश कोर्स और माइक्रो कोर्स फ्री, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड पर्सनल टेंशन. माइक्रो कोर्स मतलब जो चैप्टर वाइज कोर्स, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म में आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टेक अप दैट पर्टिकुलर कोर्स, माइक्रो कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड लर्न इट लाइव विद सम अदर टीचर और योर फेवरेट टीचर. ठीक है, लर्न इट. एंड व्हाट आर क्रैश कोर्सेज, दीज आर सम वेरी स्पेशल कोर्सेज विच आर लॉन्च्ड फॉर वेदांतु स्टूडेंट्स विच आर पेड, बट फॉर अ प्रो सब्सक्राइबर इट विल बी फ्री. ठीक है, फिर आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, मेरे बच्चों को मिलती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, हाउ कैन यू इम्प्रूव, प्लस पर्सनल अटेंशन, कोई बोलने की बात है. सबसे बेस्ट विच आई लाइक द मोस्ट, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि अगर किसी बच्चे को हम पर्सनल अटेंशन देते हैं ना, तो उसकी ग्रोथ एक्सटेंसिवली बढ़ती है ना. अभी यहीं पर हम बोलते रहते हैं मैम इग्नोरिंग मी, इट्स आई नो दैट पर्सनल अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए होती है. ठीक है, तो वो प्रो में आपको बिल्कुल मिलेगी. ठीक है, सो विजिट दिस लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में मिलती है. ओके, एंड गो ऑन टू दिस लिंक. अपना ग्रेड सेलेक्ट करो जिस भी क्लास में हो आप, अपना क्लास सेलेक्ट करो मतलब, और डिटेल्स प्रॉपरली पढ़ो कि आपको क्या मिलने वाला है. जो मैंने अभी आपको बताया है वही मिलेगा, बट खुद से भी पढ़ो. ठीक है, फिर क्लिक करना गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे. फिर आपको पॉप आउट होंगे तीन ऑप्शंस, वन मंथ का है ऑप्शन, थ्री मंथ का है एंड सिक्स मंथ का है. सो ट्राई वेदांतु, कम ऑन एवरीवन, यू कैन डू दैट. एंड राइट नाउ इफ यू यूज माई कोड 80 प्रो, यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट. ओके, to get the 15% bilkul instantly discount you have to use the code 80 pro. don't forget to use this. so now the last thing, telegram pe abhi tak nahi aaye ho, that is absolutely free and you can come up to me and we have our pirate family there, right? so hit the like button everyone, share this video and subscribe to the channel. to bachcho, are you ready? how is the josh for evening session? पायरेट चॉइस आ रही है बच्चों, हाउ इज द जोश. हाँ, पायरेट्स लेजी हो रहे हैं. हाँ जी मैम, आई वॉज नॉट चैटिंग, आई वॉज टेकिंग क्लास. ओके ठीक है बेटा, ठीक है, लोन वॉरियर रुचि टेकिंग योर नेम वेरी हाई. ओके, आज खुश तो बहुत हो. ओके सो पाजी, यू हैव टू गिव दिस सजेशन इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके आदित्य, टेक इट योर नेम. आदित्य चेंज योर यूजर नेम, आई टेंड टू फॉरगेट. हाय अश्विनी, चलो अश्विनी दिस इज इट फॉर टुडे, आप अभी लेट आयो. चलो सो लेट्स एंड दिस सेशन, राइट एवरीवन. सो कैप्टन इज साइनिंग ऑफ नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एट द रेट 7:30. डोंट फॉरगेट टू कम ऑन टाइम. बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.